ये छोटी सी कहानी आपके लाइफ को बहुत बड़ा मोटिवेट करेगी, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि नारद मुनि को एक बार बहुत घमंड हो गया कि इस संसार में मुझसे बड़ा भगवान विष्णु जी का दूसरा भक्त और कोई नहीं, मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं हमेशा और हर पल उनका नाम लेता रहता हूँ। और यहीं अपने प्रश्न का उत्तर जानने नारद मुनि भगवान विष्णु जी के धाम में पहुँच गए और भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपया करके आप ही मुझे बता दें कि मेरे से बड़ा आपका भक्त दूसरा कोई नहीं इस संसार में। मैं आपका नाम श्री नारायण नारायण दिन रात और हर पल रटता रहता हूँ, आपका नाम मुझे हमेशा याद रहता है। तब भगवान विष्णु जी मुस्करा कर बोले, हे नारद, जहाँ भक्त की बात है तो इस संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त सिर्फ एक ही है और वो है गांव का वो किसान। तब नारद मुनि को अंदर ही अंदर क्रोध आ गया और गुस्से में भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये गांव का किसान आपका सच्चा और सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, जो आपका नाम पूरे दिन और रात में सिर्फ दो बार ही लेता है, ना तो वो कभी आपकी पूजा करता, ना ही आपको कोई भोग या प्रसाद चढ़ाता, ना ही आपके नाम से कोई दान दक्षिणा करता, तो फिर ऐसा आम इंसान आपका दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है, जबकि मैं आपका नाम कभी नहीं भूलता, हमेशा और हर पल आपके नाम का जाप करता रहता हूँ, आपकी पूजा वंदना करता रहता हूँ, आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, अपनी हथेली खोलकर ये दो बूंद तेल अपने हथेली में रखकर आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर मेरे पास लौट आएं, और ध्यान रहे ये तेल की बूंद थोड़ा सा भी नीचे गिरने ना पाए। तब नारद जी बोले, बस प्रभु, इतना सा काम ये तो मैं अभी ही कर दूंगा। तब भगवान विष्णु जी हंस कर बोले, ठीक है नारद, अब आप ये तेल अपनी हथेली में लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर मेरे पास आइए। तब नारद मुनि अपनी हथेली के बीचों बीच दो बूंद तेल रखकर पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चल दिए, और उनका पूरा ध्यान सिर्फ इतने में ही लगा था कि मेरे हथेली से ये तेल नीचे गिरने ना पाए। और नारद जी पूरे रास्ते उनकी नज़र उनका मन सिर्फ तेल पर था, और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस भगवान विष्णु जी के पास आ गए और हंस कर भगवान विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, मैं आपके कहे अनुसार इस ब्रह्मांड का एक पूरा चक्कर लगाकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, और देखिए जैसा कि आपने कहा था कि थोड़ा सा भी तेल मेरी हथेली से सरकना नहीं चाहिए, तो मैंने तेल को थोड़ा सा भी अपनी हथेली से गिरने नहीं दिया। तब भगवान विष्णु जी हंस कर नारद मुनि से बोले, हे नारद, जब आप इस तेल को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तब आपने मेरा नाम कितनी बार लिया, कितनी बार याद किया मुझे? तब नारद मुनि इतना सुनते ही हक्का बक्का रह गए और अपना सर नीचे करते हुए भगवान विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल और अपनी हथेली में था कि कहीं ये नीचे न गिर जाए, इसलिए उस वक्त मुझे आपका नाम और ध्यान रहा ही नहीं। तब भगवान विष्णु जी नारद मुनि से बोले, देखा नारद, ठीक ऐसे ही वो किसान है जो दिन भर पूरे कड़ी धूप हो, बारिश हो, कड़क की ठंड हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेतों में अपने काम करके खून पसीना बहाकर लगा रहता है, चाहे उसकी तबीयत सही हो या ना हो, लेकिन वो अपने परिवार के लिए दिन रात अपने काम में एक कोल्हू की बैल की तरह व्यस्त रहता है, लेकिन इतने व्यस्त रहने पर भी वो मेरा नाम दिन रात में दो बार जरूर लेता है, एक रात में सोते वक्त और दूसरा सुबह जागते वक्त, इसलिए वही किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ, क्योंकि जो इंसान अपना कर्म अपना काम पूरे ईमानदारी से करते हैं और दूसरों के कल्याण करने के मकसद से अपना जीवन हो या अपना समय हो वो सब देते रहते हैं,
वही मेरी सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति और वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। सोचो नारद, तुम्हारे हाथ में तेल था, इसलिए तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ तेल और तुम्हारी हथेली में था। लेकिन वो किसान जो दिन भर धूप बारिश ठंड में अपने काम करके थका हारा जब शाम को घर लौटता है, तब भी वो मेरा नाम नहीं भूलता और उसके अंदर मेरे नाम को लेकर कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। ऐसे लोग जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और फिर भी मेरा नाम और ध्यान नहीं भूलते, वही मेरे सबसे बड़े भक्त होते हैं। जबकि जो लोग दूसरों के सहारे दिन भर पूजा पाठ नाम ध्यान में अपनी भक्ति करते हैं, दूसरों को कष्ट तकलीफ देकर पूजा आरती और मेरी महिमा मेरा ध्यान करते हैं और अपना काम ना तो ईमानदारी से करते, ना ही उनका ध्यान अपने काम में और अपने कर्तव्य में होता, वो सच्चे भक्त नहीं होते। मैं किसी से भोग प्रसाद अपना गुणगान नहीं मांगता, बल्कि इंसान अपना कर्म और अपना कर्तव्य अगर सही से पूरे ईमानदारी से और दूसरों की खुशी के लिए करता है तो यही मेरी सच्ची पूजा और मेरी भक्ति है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की ये बात सुनकर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने इस भक्ति के अहंकार में सच्चाई से विमुक्त हो गया था। तब भगवान विष्णु जी हंसकर नारद जी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस कहानी से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपना काम, चाहे आप स्टूडेंट हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, घर या परिवार के सदस्य हों, अगर पूरे ईमानदारी से दूसरों की खुशी के लिए और अच्छी भावना से करते हैं तो आपको किसी और पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि यही आपकी सच्ची पूजा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही सब कुछ बताया है। व्यक्ति अपने कर्म और काम से बड़ा या छोटा, राक्षस या शैतान, भगवान या इंसान बनता है, ना कि दिखावटी ढोंग या पखंड से। क्योंकि भगवान आपके अंदर की सच्ची भावना, आपकी नियत और आप सच्चा मन देखते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ आपकी बाहरी चमक, आपकी दिखावटी देखकर आपसे खुश होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।